नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Honor 205G versus Techno Camon 30 Premier 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Honor 200 में 6.36 इंच जबकि 30 Premier 5G में 6.41 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Honor 200 में 2.94 इंच जबकि 30 Premier 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Honor 200 में 0.3 इंच जबकि 30 Premier 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Honor 200 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Honor 200 में 187 ग्राम जबकि 30 Premier 5G में 210 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Honor 200 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Honor 200 में AMOLED जबकि 30 Premier 5G में LTPO AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Honor 200 में 6.7 इंचेस जबकि 30 Premier 5G में 6.77 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Honor 200 में 1200x2664px FHD+ और 30 Premier 5G में 1264x2780px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Honor 200 में 89.96% जबकि 30 Premier 5G में 89.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Honor 200 में 436 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 30 Premier 5G में 451 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Honor 200 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 30 Premier 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Honor 200 में Adreno 720 जबकि 30 Premier 5G में Mali G610MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Honor 200 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और 30 Premier 5G में MediaTek Dimensity 8200 मिलता है। बात करें RAM की तो Honor 200 में 8GB जबकि 30 Premier 5G में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Honor 200 में 256GB जबकि 30 Premier 5G में 512GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Honor 200 में 5200mAh जबकि 30 Premier 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Honor 208GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें 30 Premier 5G की तो वो 12GB RAM 512GB स्टोरेज के साथ 34,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Honor 205G में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 30 प्रीमियर 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 30 प्रीमियर 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा ऑनर 200 प्रो 5G है, तीसरा वीवो V45G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वन प्लस नॉट सी 4 लाइट 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।